किरण जी, जरा वेदांता चेक कीजिए तो, कल की क्लोजिंग अच्छी है, हिंडाल्को वेदांता का कॉम्बो बढ़िया मार्केट के अंदर चल रहा है, लेकिन मैं दोनों में से एक ही ट्रेड प्लस करूंगा, तो वेदांता आप चेक करके बताओ। ओवरऑल मेटल की मैं बात करना चाहूंगा। ट्यूसडे के सेशन में जब हमने ओपनिंग ट्रेड का डिस्कशन किया था, तब हमने मेटल्स के बारे में बात किया था, तब हमने वेदांता रिकमेंड किया था। अगर अभी आप वेदांता देखोगे तो पिछले 3 दिन से लगातार वो हाइट ऑफ हायर ऑर्डर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो रिसेंटली उसने 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है, और तभी मोमेंटम इंडिकेटर पे एक बुलिश रिवर्सल भी बना है। अब लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम से ऊपर हो रहा है। साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर रिसेंटली जो उसने हाई बनाया था 500 का, वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली एक लोअर फ्रेम के मतलब लोअर लो लोअर हाई के बीच में घूम रहा था, यानी कि एक फॉलोइंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब वही उस चैनल का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वेदांता करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ 430 के नीचे का रखिए, और ऊपर में 500 तक के जाने की गुंजाइश वेदांता में लग रही है, तो डेफिनेटली वेदांता लॉन्ग करना चाहिए।